नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद के। फिरोजाबाद लापता किशोर का मिला शव। फिरोजाबाद में उस समय सनसनी फैल गई जब 30 जून से लापता एक दलित किशोर का शव खंडहर पड़े रेलवे क्वार्टर में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे हत्या मानकर चल रही है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र की है, जहां रविवार की शाम टूंडला रेलवे स्टेशन पोस्टफिस के पीछे खंडहर पड़े रेलवे क्वार्टर में पुलिस ने एक किशोर का शव बरामद किया है। दरअसल 30 जून से रेलवे कंपनी बाग निवासी श्याम बाबू का 14 वर्षीय बेटा सूरज लापता हो गया। अनहोनी की आशंका जताते हुए परिजनों ने थाना टूंडला में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू की। वही परिजन भी तलाश में जुटे थे। परिजन बच्चे को ढूंढते हुए खंडहर पड़े रेलवे क्वार्टर के पास पहुंचे तो शव से आ रही बदबू को महसूस किया। अंदर जाकर देखा तो शव पड़ा मिला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रदीप कुमार बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। वहीं शव को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि किशोर की हत्या की गई है, क्योंकि किशोर का चेहरा खराब था जिससे किशोर की ठीक से पहचान नहीं हो सकी। लेकिन कपड़ों को देख परिजनों का अनुमान है कि शव सूरज का हो सकता है। फिरोजाबाद मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड टीम ने मौके से कुछ सैंपल लिए हैं। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है, ये कहाँ मिली है और क्या कहना चाहे? ऐसा आज हम जब हमें पता चला कि एक बच्चा गायब हो गया, तो काफी दिनों से मैं सभासद भी हूँ यहाँ पर कच्चे डूंडला से, तो हम और राहुल दोनों घूमते हुए इनके घर पे पहुंचे तो वहाँ पता चला हम लोगों को। तो वहाँ पे कुछ औरतें बोली कि भैया एक काम करो कि आप लोग जरा कम रेलवे के जो क्वार्टर टूटे हुए हैं उनमें एक बार चेक कर लीजिए। तो कंपनी वाक के और आसपास और ये पोस्ट ऑफिस और पानी टंकी के आसपास आप मकान को स्टेशन के पास देख लीजिए। तो हम लोग देखते हुए आए तो इनके फादर हमें रास्ते में मिल गए। हमने इनके फादर से कहा कि साथ में मिलकर एक बार ढूंढते हैं। तो हम और इनके फादर लोग ढूंढने आए तो यहाँ बदबू बहुत सारी आ रही थी। तो हम लोगों ने देखा, एक एक घर में जब चेक किया तो हमें कुछ लगा कि यहाँ पे किसी की बॉडी लग रही है। तत्काल हमने पुलिस को फोन किया और पुलिस आई और अपनी कार्रवाई उन्होंने पूरी की। इसके बाद में पता चला कि बॉडी किसकी है, तलाश की जा रही है। क्या लग रहा है, ये बच्चा जो गायब था क्या उसी की डेड बॉडी है? नहीं, ये अभी तक उनके फादर के संग, उनके फादर ने जो देखा है कि अपने कपड़ों से पहचान करके, इस बारे में अभी तक चेहरा उसका साफ नहीं आ पाया है, इसलिए वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि ये बॉडी उसी की है कि किसी और की है। आपका बच्चा गायब था 30 तारीख से, तो एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी हमारे को पहचान में नहीं आ रही है इतना कि हम कह सकते नहीं कुछ, जब तक पूरी तरीके से हम नहीं उसको देख लेंगे। उसके कपड़े वगैरह मिले हैं और क्यों नहीं पहचान पा रहे, क्या वजह? मतलब कपड़े के जरिया से तो जो पैंट तो ऐसी दिख रही है कि लोअर वही दिख रही है, कच्छा भी देख लेंगे। उसके पैर पे कुछ तिल का दाग है, नीचे तर भी। तो चेहरे से क्यों नहीं पहचाना जा रहा? चेहरा बेकार हो रहा है। तो क्या लगता है कि देख के क्या लगता है बच्चे के साथ क्या हुआ? ऐसा दिखता है कि जो किसी ने मारा हुआ। नीचे कहाँ मिला बच्चा? बच्चा मिला था क्वार्टर में, ये टूंडला रेलवे क्वार्टर का एक खंडहर है जिसमें कोई रहता नहीं है, पूरी तरह से वो अलग थलग है। उसमें एक बच्चे का शव मिला है। शव की जो स्थिति थी उससे अभी पूरी तरह से पहचान नहीं हो पाई है। एक मिसिंग 30 तारीख को हमारे यहाँ से हुई थी, एक श्याम बाबू है उनका बच्चा, करीब 4 बजे खेलने के लिए गया था फिर वापस नहीं आया था। हम लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं, परिजनों को दिखाया भी गया है, लेकिन अभी उन्होंने 100% उसकी पहचान नहीं की है। पहचान करने वाली कार्रवाई अभी चल रही है और क्यों ये घटना हुई है और घटना का क्या कारण होगा, ये सारी चीज़ें पीएम होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। सर,
सर क्या लगता है सबको देखकर कि इसकी हत्या की गई? देखिए बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो गई थी और हमारी FSL टीम भी आई हुई है, वो भी इन्वेस्टिगेट कर रही है और PM के बाद ही सही स्थिति के बारे में हम बता पाएंगे। लगता है तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तभी तो इस साल यानी 2022-23 में यहाँ 650 से भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर के एडमिशन हुए हैं। ये तो फिरोजाबाद के लोगों का प्यार और विश्वास है जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर कमाया है। बिल्कुल, तो आप भी पीछे ना रहें, अपने बच्चों का एडमिशन लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। इनका पता है ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है 7।